أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ये क्लास बच्चे कैसे हैं आप सब ठीक है एक क्लास लास्ट टाइम जो हमने चैप्टर टू में से जो है लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किए थे जिसके अंदर जो है हमने पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़ा था कि उसकी एम्स क्या है उसकी बेसिस क्या है उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है टैक्सोनॉमी के और सिस्टमेटिक्स में डिफरेंस क्या होता है ठीक है ये सारी बेसिस और क्लास जो है एम्स के बारे में डिस्कस किया था कैसे सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस की बेस पे हम जो है क्लासिफिकेशन करते हैं आज जो है बच्चे हमने नेक्स्ट अपना जो है लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करना है जिसका नाम है टैक्सोनॉमिक हायरार्की बच्चे मैंने आपको बताया था कहीं पर भी वर्ड टैक्सोनॉमी आ जाए इसका मतलब होता है क्लासिफिकेशन और कहीं पर वर्ड हायरार्की आ जाए इसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ हायरार्की का मतलब होता है बच्चे अरेंजमेंट कहते हैं तरतीब कह सकते हैं हायरार्की को ठीक है तो पूछना चाह रहा है कि राइट नॉट ऑन टैक्सोनॉमिक हायरार्की उर्दू में अगर जी समझेंगे तो इसका मतलब होगा कैसे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया है क्या तरतीब है जिसके अंदर से जो है क्लासीफिकेशन की गई है डेफिनेशन टैक्सा की डेफिनेशन पर एक दफ़ा पढ़ चुके हैं द ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड आर नॉन एज टैक्सोनॉमिक और कैटेगोरिक टैक्सा ठीक है जो हम जिस ग्रुप में जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं उसे हम टैक्सा कहते हैं और टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है द लार्जेस्ट टैक्सॉन अमंग टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज किंगडम ठीक है सबसे बड़ा जो टैक्सॉन सबसे बड़ा ग्रुप यानी सबसे बड़ा टैक्सा कौन सा होता है किंगडम किंगडम के अंदर सब कुछ दुनिया में सिर्फ 5 किंगडम है ठीक है नंबर 1 है मुनेरा हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसके अंदर सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं दूसरा है प्रोटिस्टा उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आते हैं तीसरा है फंजाई जिसके अंदर सारी दुनिया की फंजाई आती हैं चौथा है प्लांटे जिसमें सारी दुनिया के प्लांट्स आते हैं और पांचवा है एनिमेरिया जिसमें सारी दुनिया के एनिमल्स आते हैं ठीक है तो बड़ा बहुत बड़ा ग्रुप है सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर करेक्टर्स ईच किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टैक्सा इनटू फॉलोइंग पे ठीक है क्लासिफिकेशन की बेस पे जो है सिमिलैरिटी की बेस पे हर किंगडम को आगे स्मॉल स्मॉल सब ग्रुप्स में जो है वो क्या किया गया है डिवाइड किया गया है वैसे आपको बताता चलूं किंगडम को डिवाइड किया जाता है फाइलम में फाइलम को डिवाइड किया जाता है क्लास में क्लास को डिवाइड किया जाता है ऑर्डर में ऑर्डर को डिवाइड किया जाता है फैमिली में फैमिली को डिवाइड किया जाता है जीनस में और ये जीनस को डिवाइड किया जाता है स्पीशी में और स्पीशी सबसे छोटा ग्रुप है किंगडम सबसे बड़ा ग्रुप है ये आपने बस याद रखें यहाँ ये देखिए डायग्राम भी बनी हुई है स्पीशी सबसे छोटा किंगडम सबसे बड़ा ग्रुप है ठीक है ये है टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो तरतीब आ रही है ना ये एक तरह की जो तरतीब आ रही है जो तरतीब ऊपर से नीचे आ रही है सबसे पहले किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जेनस स्पीशी इसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की डेफिनेशन देख रहे थे बहुत आसान है फाइलम के अंदर क्या होता है यहाँ से अ फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लासेस ठीक है फाइलम के अंदर क्या होता है सिमिलर क्लासेस का ग्रुप होता है फाइलम के अंदर क्या होती हैं क्लासेस होती हैं क्लासेस के अंदर कौन होगा ऑर्डर होंगे ऑर्डर के अंदर कौन होगा फैमिली होगा ऐसे ही है ना क्लास की देख लेते हैं अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर्स क्लास के अंदर क्या होगा सिमिलर ऑर्डर्स होंगे ठीक है ऑर्डर्स के अंदर क्या होगा सिमिलर फैमिली होंगी ठीक है फैमिली के अंदर क्या होगा सिमिलर जीनस होंगे ठीक है और जीनस के अंदर क्या होगा सिमिलर अ ग्रुप ऑफ इंटररिलेटेड स्पीशीज इंटररिलेटेड की बजाय अगर आप सिमिलर कर लें ठीक है एक तो वो भी एक जैसा ही है इंटररिलेटेड कर लें वो भी एक ही बात है और स्पीशी क्या है स्पीशी इज द कंसिस्ट ऑफ सेम ऑर्गेनिजम्स ठीक है स्पीशी क्या होती है जो सेम ऑर्गेनिजम्स होते हैं ठीक है जैसे ह्यूमन बींग सेम है ह्यूमन एनिमल एक नहीं है ठीक है ह्यूमन और काओ एक नहीं है ठीक है काओ अलग है एनिमल अलग है स्पीशी काओ अलग है ह्यूमन अलग है तो स्पीशी क्या है सेम ऑर्गेनिजम को हम क्या कहते हैं बच्चे स्पीशी यहाँ तक बच्चे आपने जो है इसको याद करना है सबसे पहले क्या है टैक्सा क्या होता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है सबसे बड़ा ग्रुप किंगडम है सबसे छोटा ग्रुप स्पीशी है ठीक है किंगडम को आगे सब डिवीजन की गई है फाइलम के अंदर फाइलम के आगे सब डिवीजन की गई है क्लास के अंदर क्लास के आगे सब डिवीजन की गई है ऑर्डर में ऑर्डर के आगे सब डिवीजन की गई है फैमिली में फैमिली के आगे सब डिवीजन की गई है जीनस में और जीनस आगे सब डिवाइड हुआ है स्पीशी और स्पीशी सबसे छोटा ग्रुप ठीक है और सबसे बड़ा ग्रुप कौन है किंगडम आगे लास्ट लाइन रहेगी बच्चे वो पढ़ लेते हैं मेंबर्स ऑफ लोअर टैक्सॉन रिजेंबल वन अनदर मोर देन डू द मेंबर्स ऑफ हायर टैक्सॉन ठीक है उसने क्या कहा जो हायर टैक्सॉन के मतलब जो किंगडम और फाइलम के अंदर जो पाए जाएंगे
वो एक दूसरे के साथ इतने रिजेंबल नहीं करते जितना छोटे ग्रुप वाले एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं। जैसे जीनस के अंदर जो ग्रुप होंगे वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, रिजेंबल करेंगे, लेकिन जो किंगडम के अंदर होंगे वो शायद इतने ज़्यादा एक दूसरे के साथ रिजेंबल ना करें।